आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का। दामिनी गैंगरेप के बाद देश में जबरदस्त आंदोलन हुआ, फिर भी हर रोज महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की वारदात सामने आती रहती है। 7 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की महिला तक कोई भी महफूज नहीं है। सवाल है कि क्या देश के मर्दों की नीयत ही खराब है, क्या देश के मर्दों की नजर गंदी है। इस मुद्दे पर इंडिया टीवी ने सबसे बड़ी तहकीकात की है। देश के 7 बड़े शहरों में इंडिया टीवी संवाददाताओं ने कई महीनों तक पड़ताल की और उससे जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हम आपको देश के 4 बड़े शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में मर्द राह चलती लड़कियों को घूरते रहते हैं। पूरी राजधानी में लड़के लिफ्ट देने के बहाने लड़कियों को परेशान करते हैं। उधर मुंबई में भी सड़क पर बस का इंतजार करती लड़की महफूज नहीं है। कोई फप्ती कसता है तो कोई अश्लील इशारे करता है। चंडीगढ़ के लड़के अकेली लड़की को देखते ही मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा भूल ही जाते हैं। सरेआम लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती है। तो उधर जयपुर में भी लड़कियों पर छींटाकशी होती रहती है। और अब आपको देश के 3 और बड़े शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। भोपाल में लड़कियां डरी सहमी रहती हैं। सड़कों पर अकेली लड़की को देखकर बदमाश लड़के भद्दे इशारे करते हैं। उधर इंदौर में भी बहुत से मर्द लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं। अहमदाबाद में भी सड़क पर लड़कियों के साथ खुलेआम बदतमीजी की जाती है। आज हम आपको देश के 7 बड़े शहरों में मर्दों की नजर और नीयत की एक्सरे रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से। जगह डीएवी कॉलेज गेट चंडीगढ़। समय सुबह 11 बजे। एक लड़की अपनी सहेली के साथ कॉलेज के गेट पर खड़ी है। आते जाते मर्द उसे किसी फिल्मी पोस्टर की तरह घूर रहे हैं। तभी लाल रंग की एक फॉक्स वैगन कार लड़की से महज 1 फीट की दूरी पर रुक जाती है। इस कार को ठीक से पहचान लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप इस कार को कम से कम 5 बार देखने वाले हैं। पहली बार ऐसा लगा कार में सवार लड़का लड़की से बात करने का बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन 5 मिनट तक खड़ी रहने के बाद कार चली जाती है। सुबह 11:07, देखिए ये कार 7 मिनट में तीसरी बार इस लड़की के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। ये देखना क्या फेंक के गए, फोन नंबर इन्हें क्या लगा। लड़कियों को लगा कि चलो बला टल गई, लेकिन 2 मिनट के अंदर वही कार एक बार फिर आकर खड़ी हो गई। सुबह 11:12, जो चिट पड़ी है ना, चिट उठा के इनको कॉल करवाएंगे। किससे कॉल करवाएंगे? ऑफिस से, इंडिया टीवी के इंडिया टीवी के ऑफिस में इनको कॉल कराएंगे और कॉल करा के फिर इनको बाट लगाएंगे इनकी। देखिए एक बार फिर वही लाल फॉक्स वैगन कार लड़कियों के आगे खड़ी है। कार में सवार लड़के लड़कियों को इशारे से कह रहे हैं कि वो पर्चे में लिखे नंबर पर उन्हें फोन करें, लेकिन जब लड़कियां जवाब नहीं देती तो कार एक बार फिर वहां से चली जाती है। सुबह 11:20, 20 मिनट के दौरान ये लड़के 5 बार इस लड़की के चक्कर काट चुके हैं। इस बार वो फिल्मी स्टाइल में कार को बैक करके लड़की के पास लाए। No, thanks. Can I have your number? No, sorry. Thank you. Thank you so much. Please find the other girl. देखिए लड़की ने साफ कह दिया कि वो न तो इनका फोन नंबर लेना चाहती है और न अपना नंबर इन्हें देना चाहती है। फिर भी ये बाज नहीं आए। I know I'm beautiful. Thank you. लड़की ने झिड़क दिया तो वहां से ये लोग चले गए। लेकिन लड़की का पीछा नहीं छोड़ा। करीब 5 मिनट बाद एक बार फिर आधमके। सुबह 11:30, आधे घंटे में छठी बार ये कार फिर आई। सॉरी
I told you I'm not interested and you can go find another girl. Sorry, I am not interested in talking to you. Really sorry. And please, again and again, stop, please. आप बार बार इधर आके गाड़ी रोक रहे हो. That doesn't look nice. आप प्लीज जाइए. जब लड़की ने सख्ती से मना किया तब इस लाल कार वाले लड़के को अकल आई. लाल कार वाला लड़का गया तो सफेद कार वाला पहुंच गया. सुबह 11:35 देखिए इस कार को. इस कार में सवार लड़के की बदतमीजी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए चंडीगढ़ की सड़कों पर लड़की को देखकर कार की चाल और दिशा कैसे बदल जाती है. आप मुझसे बाहर आके बात करो. आप बाहर आके बात कर रही है, आप गाड़ी में से क्यों बात कर रहे हैं? आई हैव नो आइडिया क्या हो रहा है कॉलेज में. कॉलेज के गेट पर खड़े होकर ये लड़का इस लड़की से पूछ रहा है कॉलेज में क्या हो रहा है. अगले ही मिनट इसका असली इरादा सामने आ गया. थैंक यू. हाँ आई नो दैट, यू डिडंट नीड टू टेल मी. जगह डीएवी कॉलेज गेट चंडीगढ़. तारीख 1 फरवरी 2012. समय 12:12. सड़क के किनारे खड़ी लड़की फोन पर बात कर रही थी तब ये कार उसके पास आकर रुकती है. देखिए ये वही कार है जिसमें सवार लड़का अभी लड़की से पूछ रहा था कि कॉलेज में क्या हो रहा है. कार के अगले दरवाजे से लाल स्वेटर पहने लड़का बाहर निकलता है. उसके हाथ में लाल गुलाब है. आपको फ्लावर देते हुए शर्म नहीं आ रही है? कितना गंदा फ्लावर लेकर आए हो आप. थोड़ा ताजा तोड़ के लाना हो. इतनी सोनी खुशबू आ रही है. कॉलेज के स्टूडेंट हो? नहीं खा सकते. नहीं सॉरी, आप किसी और को दीजिए अपना फ्लावर. लड़की हैरान है इसकी बदतमीजी को देखकर. वो दो टूक शब्दों में कह चुकी है कि वो उससे फूल नहीं लेना चाहती, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है. नहीं सॉरी. अद्दा ले लो. चलो नहीं सॉरी, आप किसी और को दीजिए अपना फ्लावर. जगह डीएवी कॉलेज गेट चंडीगढ़. समय 12:15. काफी जोर डालने पर भी लड़की ने जब गुलाब नहीं लिया तो लाल स्वेटर वाला लड़का वहां से चला गया. लेकिन 15 मिनट बाद फिर लौटा. इस बार वो पीले रंग का गुलाब लेकर आया था. देखिए लाल गुलाब नहीं तो पीला सही. और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता अलका लांबा हैं और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ आ चुके हैं. सामाजिक कार्यकर्ता नीलम कटारा हमारे साथ हैं. वहीं चंडीगढ़ वीएचपी के अध्यक्ष विजय भारद्वाज और चंडीगढ़ से ही सामाजिक कार्यकर्ता सुदेश रानी भी हमारे साथ हैं. और भोपाल से रोली शिवहरे हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं. सुदेश रानी जी, मैं पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि क्योंकि चंडीगढ़ की एक घटना थी. चंडीगढ़ से आप हैं. एक लड़की कॉलेज के बाहर भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ गंदी नजरों का उसे सामना नहीं करना पड़ रहा है, कुछ लड़के तो हाथ धो के पीछे ही पड़ जाते हैं. नहीं, मैं इस हालात में जैसे ये लड़कियां खड़ी हैं, जब एक बार उसने चक्कर लगाया तो तुरंत उसको कंट्रोल रूम में फोन करना चाहिए ताकि उसकी हेल्प के लिए पुलिस आ जाए. ऐसे हालात होते हैं, लोग इस तरह सीधे नहीं होंगे. जब तक उनके बारे में कोई शिकायत नहीं करेगा, पुलिस को नहीं बुलाएगा, तब तक इनके हौसले बढ़ते रहेंगे. एक बार आया, दो बार आया, तीसरी बार चौथी बार आने का उसको उनको मौका ही नहीं देना चाहिए. इमीडिएटली पुलिस को कॉल करना चाहिए कि ये हमें तंग कर रहा है, गाड़ी है, नंबर है, फिर मोबाइल नंबर दे रहा है. उसकी हिम्मत तो देखो कितनी हिम्मत हो चुकी है जी. कितनी बुरी तरह से वो उसके पीछे पड़े हुए हैं लड़कियों के.
अलका लड़कियों को कहीं खड़ी भी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल अलका, लड़की खड़ी भी नहीं हो सकती, उसकी तरफ पेपर कागज फेंक कर जा रहे हैं, नंबर लिखा हुआ उसमें, बार बार पप्तियां कसी जा रही हैं। मैं जो भी ये चैनल देख रहे हैं या इस कार्यक्रम या इस सब को जो तमाशा हुआ देखा, मैं हर एक से पूछ रही हूँ, क्या ये कुछ ऐसा है जो आप पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या आपको लग रहा है ओह ऐसा भी होता है? मैं बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल मालूम है। मैं अभी थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी कि ऐसा तो जब मैं भी कॉलेज में थी तो बहुत सारा नॉर्थ कैंपस में हमने होते हुए देखा है और ये होता आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने प्रॉब्लम ये आदत बना ली। जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने कहा शिकायत क्यों नहीं गई, एक बार गाड़ी चार बार आई, उस लड़की को तुरंत उसके हाथ में मोबाइल था, 100 नंबर पे कॉल करना चाहिए, यही करना है। ये तो चलिए स्टिंग ऑपरेशन है, आपकी ही स्टूडियो की लड़कियां हैं जो स्टिंग कर रही थी ये सच्चाई को सामने लाने के लिए, तो अलग बात है उन्होंने शायद ऐसा नहीं किया जबकि उनको भी करना चाहिए था। लेकिन हाँ, हर लड़की के लिए सबक जरूर है, हल्के में मत लीजिए, आप छोड़ देंगी लेकिन वो घर नहीं जाएगा, वो दूसरी लड़की तीसरी लड़की के पास जाएगा। और मुझे लगता है ये बिल्कुल हर शहर का तमाशा है, हर शहरों में ऐसा होता है जहां पर, इसीलिए हमारा शायद बाहर निकलना जो है मुश्किल हो जाता है, और कहीं ना कहीं जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें शर्मसार होना पड़ता है उस सड़क के बीच में, समाज के बीच में। विक्रम सिंह जी, बात कही जा रही है कि कंप्लेन करनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए पुलिस में, लेकिन मुझे लगता है लड़कियां भी हिचकिचाती हैं क्योंकि पुलिस वाले भी बहुत संवेदनशीलता से इस तरह की कंप्लेन को नहीं लेते। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, संवेदनशीलता की जहां कमी है वहां मैं समझता हूं कि प्रोएक्टिव एक्शन पुलिस की तरफ से होना चाहिए। क्या लड़कियों के स्कूल के बाहर इस तरीके के आवारा बादल अगर मंडरा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ गुलाब के फूल लेकर के आ रहे हैं, क्या इनको चिन्हित करके, और अगर मजनू की प्रोफाइलिंग की जाए, इस तरीके के लफंगों की प्रोफाइलिंग की जाए कि इनके कपड़े वेशभूषा पर ऊपर के कमीज के दो बटन खुले हुए, कान में बुंदा और आंख पे सुरमा लगाए हैं, तो क्या ये पता लगाना मुश्किल है कि ये शरीफ हैं या आवारा हैं? मैं समझता हूं कि पुलिस अगर इस पर ध्यान दे तो इन तरह के मंचनों की प्रोफाइलिंग और प्रोएक्टिव तरीके से इनके खिलाफ बहुत प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। जी नीरम जी, जो बात विक्रम सिंह जी ने कही कि एक प्रोफाइलिंग ही अलग होती है, अलग से आप चिन्हित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये लोग हैं, और इनकी इनकी कोई कमी नहीं है, हर जगह आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, ये जो बार बार यहाँ चक्कर लगा रहे हैं इससे तो साफ दिखाई पड़ता है कि इनके पास टाइम ही टाइम है और ये इनकी एक रेगुलर आदत होगी, और अगर गलती से किसी लड़की जो नासमझ हो इनको अपना नंबर दे दे तो या उनके संग बैठ जाए तो हम लोग सोच ही सकते हैं कि उसके संग क्या होगा। जहां तक पुलिस वालों की उपस्थित होने की बात है, ये मैं जरूर कहूंगी कि पुलिस वालों की बहुत सख्त कमी है, तो कितने कॉलेजेस हैं वहां, कितने पुलिस वाले किस समय हो सकते हैं ये देखना पड़ेगा, इसलिए पुलिस वालों की संख्या बढ़ानी है और फिर पुलिस वालों की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो खुद जेंडर सेंसिटिव हो। बिल्कुल बिल्कुल, कमी भी है और कितनी गंभीरता से पुलिस वाले ऐसी कंप्लेंट्स को लेते हैं ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार ये छोटी जो 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 हरकतें इस वक्त नजर आती हैं ये बहुत बड़े किस्सों में भी तब्दील हो जाती हैं, ये बड़ा खतरा रहता है, पुलिस वाले इनको गंभीरता से क्यों नहीं लेते? ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे। तो देश के मर्दों की नीयत कैसी है इस पर स्टिंग ऑपरेशन हमारा जारी है। ब्रेक से पहले आपने चंडीगढ़ की जो तस्वीरें देखी, हमने उसमें एक मॉडल की मदद ली, एक सामान्य लड़की की तरह जब वो सड़क पर खड़ी थी तो किस तरह से उसे छेड़खानी का सामना करना पड़ा, फप्तियां कसी गई, आते जाते लड़कों ने, कुछ लोगों ने तो कागज फेंके जिसमें अपने नंबर लिखे हुए थे। इस तरह का सामना हर लड़की को करना पड़ता है। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं विजय भारद्वाज हैं, वीएचपी के अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ के। विजय जी, किस तरह से आप लोग इस तरह की हरकतें ना हो उसमें मदद कर सकते हैं या फिर करते भी हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि समाज का हर अंग इसमें इसमें अपना अपनी भागीदारी दिखाए। देखिए, हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से जब बात करते हैं तो लोग हमें कुछ और तरीके से कहने लग जाते भी, ये लोग बड़े रूढ़िवादी हैं, ये जो देन है, जो जिस तरीके से लड़के मैं देख रहा हूँ कि लड़की को परेशान कर रहे हैं, ये देन जो है ना वैलेंटाइन डे जिस तरीके से मनाया जा रहा है वहां पे, इसको किस तरीके से मान्यता प्राप्त करवा दी गई है। जब हम यहाँ पे जब वैलेंटाइन डे होता है तो हम जब लड़कियों को बचाने के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो हमारे खिलाफ ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे हमारे पीछे पड़ जाते हैं। विजय जी, हमारे हमारे कुछ मेहमान इस पर उनको आपत्ति है क्योंकि ये वैलेंटाइन डे नहीं था, ये एक सामान्य दिन था, उस दिन भी ऐसा हो रहा था।
मानसिकता वैलेंटाइन डे नहीं, ऐसी हरकतें शुरू करवाई हैं जी। विक्रम जी से मैं पूछ लेती हूँ, विक्रम जी आप इससे इत्तेफाक रखेंगे? इनको समस्या की जड़ ही नहीं मालूम तो हल क्या देंगे? नहीं, ये बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इन मंजलों के लिए प्रतिदिन वैलेंटाइंस डे है और किसी भी तरह का बहाना, एलिबाई और तर्क दे करके अश्लील व्यवहार को बढ़ावा देना या उसके ऊपर पर्दा डालना बहुत ही गैर मुनासिब होगा। समाज को इनके ऊपर बिल्कुल कहर बन करके टूट पड़ना चाहिए, चाहे वैलेंटाइंस डे की आड़ हो या किसी भी तर्क से, इसमें कोई माफी का खाना नहीं होना चाहिए। आप इन लोग ऐसे मंचनों को पकड़ने के लिए वैलेंटाइंस डे के दिन ही क्यों निकलते हैं? आम दिनों पर भी आप निकलेंगे तो आपको ये लोग मिल जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम जैसे आपने दिखाया, हम ऐसी हरकत यहाँ पे चंडीगढ़ में दोबारा नहीं होने देंगे यहाँ पे। और देखना, जब हम ऐसी हरकतों को रोकेंगे और ये जो लोग हैं हमारे ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जो इनको जो अब इनकी बुराइयां कर रहे हैं, वो कल हमें कहेंगे भी आप कौन होते हो ऐसी सोशल पुलिसिंग करने वाले। बिल्कुल, जो बात विजय जी कहना चाह रहे हैं कि मॉरल कस्टोडियन का रोल लोग उनका समझ लेते हैं और उस पर ही उनको आपत्ति होती है। ऐसे में कौन ये जिम्मेदारी लेगा? पुलिस की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है, उस पर मैं विक्रम सिंह जी से पूछूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक पहले लेना होगा। तमीज नहीं है आपको? नहीं। तो ब्रेक से पहले चंडीगढ़ के मर्दों की हकीकत आपने देखी, आपने देखा कि कॉलेज के बाहर लड़कियों के साथ किस तरह की बदसलूकी की जाती है, उन्हें जबरन फूल देने की कोशिश की जाती है, कागज उनकी तरफ फेंक दिए जाते हैं। ये सिर्फ कॉलेजों का हाल नहीं है, सड़क से पार्क तक चंडीगढ़ के ज्यादातर इलाकों में मर्द बुरी नजरों से लड़कियों को देखते हैं। जगह सेक्टर 17 चंडीगढ़, वक्त 12:15। सेक्टर 17 में सड़क के किनारे एक बेंच पर लड़की बैठी है, आसपास की दूसरी बेंच भी खाली हैं, लेकिन एक लड़का उसी बेंच पर आकर बैठता है। पीछे से उसका साथी भी आता है, वो लड़की को हटने का इशारा करते हुए धक्का देता है। अगर इसकी नियत साफ होती तो एक्सक्यूज मी बोलने के बाद उसे लड़की को थोड़ा वक्त देना चाहिए था ताकि वो खिसक कर बैठ सके। आपको सेंस नहीं है, आप ये भी बोल सकते हैं कि आप साइड हो जाइए, आप धक्का मार रहे हैं, अकल नहीं है आपको? मैंने क्यों होता है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी बोल के आप वेट तो करिए कि मैं साइड पे हो जाऊं। तमीज नहीं है आपको? नहीं। आपने देखा, लंबे बाल वाले इस लड़के ने जानबूझकर लड़की को धक्का मारा और जब लड़की ने एतराज किया तो बहस करने लगा। थप्पड़ पड़ेगा ना, एक लग जाएगा पता प्रोसेसिंग का। ये हील पहनिए, सिर में मारूंगी, बदतमीजी करी तो। आपको सीट दिख रही है? कहीं नहीं है, आप मेरे को एक्सक्यूज मी बोलिए। बोल रहा तो है, और क्या बोला? आप बोल के वेट करिए ना, ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं आप? इतनी वेट की थी, ये प्लास्टिंग करा के ना बाल लंबे करके हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जब लड़की नहीं डरी तो ये लड़का अचानक इस लड़की को दीदी बोलने लगा। वजह हम बाद में बताएंगे, पहले देखिए कि अचानक इस लड़के के सुर कैसे बदल गए। घर वालों ने अकल सिखाई है कि नहीं सिखाई? सिखाई तो है। सॉरी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, अब मैं बोल रही हूँ तो अब मैं दीदी हो गई। दीदी हो, पहले ऊपर चढ़ के बैठ रहे थे, अकल नहीं है, मारे नहीं है घर में। सॉरी सॉरी, क्या होता है सॉरी? दरअसल जिस वक्त ये कहा सुनी चल रही थी उसी वक्त पुलिस के कुछ जवान उधर से गुजरे। पुलिस को देखते ही लड़के के सुर बदल गए, उसने लड़की को सॉरी बोल दिया ताकि वो शोर न मचाए। अब नीलम जी, क्या ये सब कुछ संस्कारों का खेल है? और ऐसे में सवाल ये है कि बच्चों को, खासकर लड़कों को, किस तरह के संस्कार दिए जाएं घर में?
देखिए, लड़कों को संस्कार तो शायद इनिशियली ठीक ही मिलते हैं, मगर एक्सपोजर के बाद वो औरों को ऐसा करते देखते हैं और फिर उसके बाद वो बदलते हैं। तो एक माँ बाप को एक कंटिन्यूअस उनसे संबंध रेपो बना के रखना चाहिए और ये बार बार उनको बताना चाहिए कि इस तरह से करना गलत है, या कहीं इस तरह से होते देखें तो बच्चों को बताएं कि आज मैंने ऐसा देखा था, ये बहुत ही गलत बात है। रीइन्फोर्समेंट की बहुत जरूरत है संस्कारों की, नहीं तो लड़के जो है वो भूल जाते हैं। और दूसरी बात, पैसा जरूरत से ज्यादा बहुत जल्दी आ जाता है नवयुवकों के हाथ में और उसके बाद भी उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं। समझ में है आपको? नहीं, चलो यार।